तो यार फाइनली नीट 2024 हो चुका है और आंसर शीट के बेसिस पर आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो यार ऐसी कंडीशन में आपको ये जरूर जानने की इच्छा होगी कि कौन सा एम्स या कौन सा कॉलेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कॉलेज हमें मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपके 640 से नीचे नंबर आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको एम्स मिलने वाला है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ मतलब राउंड वन या राउंड टू में तो मुश्किल है, हो सकता है मोपअप राउंड तक आपको मिल जाए कोई एम्स। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि 2024 की कटअप क्या रह सकती है एम्स की, हर एम्स की डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर कटअप डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि कटअप किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कटअप को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर होता है कि पेपर का लेवल कैसा आया है। पेपर अगर ज़्यादा टफ आया है तो कट ऑफ ऑब्वियसली जो कट ऑफ के मार्क्स है वो डाउन जाने वाले हैं, और अगर पेपर काफ़ी इजी आ गया है तो सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे तो जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली थोड़ी हाई जाने वाली है। ठीक है, तो अगर पेपर के लेवल की बात करें तो नीट 2024 का जो पेपर था वो हार्ड तो नहीं था, 2023 के मुकाबले पेपर ईजी माना जा रहा है। मैंने अपने काफ़ी दोस्तों से बात की जिन्होंने नीट 2023 भी दिया था और 24 भी दिया, क्योंकि 23 में उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार पेपर 23 के मुकाबले इजी था। मैंने भी पेपर देखा और मुझे भी पेपर काफ़ी इजी लगा, क्योंकि यार देखिए नीट का जो सिलेबस है वो है एनसीईआरटी बेस्ड। अब एनसीईआरटी में से भी कुछ चैप्टर हटा दिए गए, कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, तो सिलेबस ही कट गया है, तो ऑब्वियसली यार मतलब पेपर तो इजी होने के चांसेस बढ़ेंगे ही। और सेकंड फैक्टर होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में। जैसे देखो एम्स दिल्ली की कटअप हाईएस्ट जाती है ऑल इंडिया में, उसके बाद एम्स जोधपुर की एम्स दिल्ली के मुकाबले कम जाती है, वहीं अगर आप एम्स राजकोट की देखोगे तो वो एम्स जोधपुर से भी कम जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं उस कॉलेज को। अगर कंपैरिजन में बात करें तो स्टूडेंट्स उस कॉलेज को इतना ज़्यादा प्रीफर करते नहीं है, इसलिए देखिए ऑब्वियसली बात है किसी को एम्स दिल्ली मिल रहा होगा तो वो छोड़ के उसको राजकोट थोड़ी ना लेगा, रेयरली कोई ले ले तो बात अलग है, बाकी तो वो एम्स दिल्ली ही लेगा। अब इसके बेसिस पर हम जानेंगे कि कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि 2022 में जो क्लोजिंग रैंक थी ऑल इंडिया राउंड वन की वो कितनी थी कॉलेजेस की। तो देखिए एम्स की थी, जो एम्स दिल्ली है उसकी 2022 में जनरल के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 55 और 2023 में वो हो गई 57, ऑलमोस्ट इक्वल। ओबीसी की थी 242 जो कि 23 में हो गई 255, ऑलमोस्ट इक्वल 10 से 12 रैंक बढ़ गई थी। एससी की देखोगे 965 वो हो गई है 989, इसमें भी लगभग 33-34 रैंक्स बढ़ी है। एसटी का देखोगे 3087 जो कि घट के हो गई 1624, मतलब लगभग हाफ पे चली गई। भुवनेश्वर का देखते हैं, भुवनेश्वर में थी 564 जनरल की ऑल इंडिया राउंड वन की कट ऑफ 22 में, वो घट के हो गई 491, घटी है। अब पटना की देखोगे तो पटना की थी 1461 जो घट के हो गई है 1417, घटी है। अब अगर भोपाल की देखोगे तो वो थी 576, घट के हो गई 558, रैंक घटी, ड्रॉप आया। जोधपुर की देखोगे 564 तो वो घट के हो गई है 497, ड्रॉप आया। तो क्या पता चल रहा है इस चीज़ से कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्स को प्रीफर ज़्यादा कर रहे हैं, और इस चीज़ को शो करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है रैंक के बेसिस पे देखना कि रैंक क्या आ रही है आपकी, क्लोजिंग रैंक जो कट ऑफ रैंक आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको देखा था 2023 के कट ऑफ मार्क्स सारे एम्स के कैटेगरी वाइज, आप उसके बेसिस पे देख लेना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके आसपास कौन से आ रहे हैं, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर सकते हो सारी एम्स की अगर आप कट ऑफ देखना चाहो तो। अब देखिए सारे एम्स की कट ऑफ मैंने आपके सामने शो कर दी 2023 की राउंड वन की कट ऑफ थी। अब मेरा मानना है कि इसमें आप 5 मार्क्स जोड़ लीजिए और इसको आप बना दीजिए मोपअप राउंड की कट ऑफ, क्योंकि यार पेपर इजी है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यार कट ऑफ तो बढ़ेगी। और 5 मार्क्स बढ़ाने के बाद आपको जिस एम्स के आसपास आ रहे हो उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये एम्स मिल जाएगा। हालांकि हो सकता है कि उससे भी अच्छी रैंकिंग वाला एम्स आपको मिल जाए, तो वो तो आपको काउंसलिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा एम्स भर रहे हो, कौन सा चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन वर्स्ट के लिए आपको रेडी रहना है कि मतलब एटलीस्ट ये एम्स तो मुझे मिल ही जाएगा। आप अगर मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहोगे और उससे अच्छी रैंकिंग वाला आपको एम्स मिल गया या वो एम्स मिल गया जिसको आपने उससे ऊपर प्रेफरेंस में रखा था, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कोई आपने दूसरा एम्स अपने दिमाग में रख रखा है कि मुझे ये एम्स मिल जाएगा और आपको एम्स नहीं मिलता है, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है।
क्योंकि आप मेंटली उस एम्स के लिए मतलब प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, आप उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने लग जाते हो। हो सकता है वहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं सीनियर, उनसे भी आप इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, और फिर आपको मिले ही ना तो फिर बहुत बुरा लगेगा। तो अच्छी चीज़ यही होगी कि आप मतलब उस एम्स के लिए तैयार रहो कि एटलीस्ट ये तो मिल जाएगा, और मेंटली उसके लिए अगर आपने प्रिपेयर कर लिया अपने आप को और उससे अच्छी रैंकिंग वाला कॉलेज मिल गया तो बहुत खुशी होगी, तो बुरा नहीं लगेगा एटलीस्ट। तो ये था मतलब एनालिसिस की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी ये हेल्प करेगा। अब अगर यहाँ तक आ गए हो तो यार वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो, अच्छा लगता है मतलब आपके लिए तो मतलब फ्री है ना यार, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि यार मेहनत की है और हमारा कंटेंट किसी तक पहुंच रहा है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ये वीडियो दूसरी बार शूट कर रहा हूं मैं क्योंकि पहली बार सही से शूट हुआ ही नहीं, तो हमें भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।